दादाजी कब से आए हो आप यहाँ पे? हमें हो गया है 8 तारीख के आए हैं पिछले महीने की 8 तारीख से। आज देख लो कितनी तारीख है। तो आप ये सेवा में क्या क्या चला रहे हैं? चाय पकौड़ा उधर खाना है। यहाँ चाय है और उधर पकौड़े ब्रेड पकौड़े ये चल रहे हैं। कितना विश्वास करके इसने प्रधानमंत्री बनाया या ना, इसने क्या जरूरत पड़ी सी ऐसे गंदे कानून काटने की, निकाल दिए इसने। कहना चाहते मोदी को हम कहना चाहते हैं कि तू ऐसे कर जैसे बनाए ऐसे कंडम कर दे, जैसे बनाए वैसे ही खत्म कर। हाँ, खत्म कर और जनता में अपना विश्वास पैदा कर, इन्हू लोग चंगा कह। अब तू इतनी तो किसी प्रधानमंत्री ने गाली नहीं ली जी। दिन हो गए, 2 महीने चले। कब तक चलेगा ये लंगर? चलते रहेगा यार। चाय पिलाते हो? चाय भी, लंगर भी चल रहे हैं, पकौड़े भी। चाय जो है ये कब कितने बजे से चालू करते हो सुबह से? जुताई है ये कब तक ये व्यवस्था यहाँ चलाते रहेंगे? आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही क्या इसको चलाने? कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने आपको एक ही कह दिया है कि उसने भरे भंडारों में से वो बोरियां फेंक रहा है, हम चला रहे हैं और जब तक हमारा वो मकसद हल नहीं होता हम यहाँ बैठे रहेंगे। सन 1907 में हमारे बुजुर्ग कहते थे कि हमने 9 महीने तक अंग्रेजी राज का इसका यही करा था, आंदोलन चलाया था। तो 9 महीने बाद उन्होंने भी 3 काले कानून जो बनाए थे वो वापस दिए थे, हम घर गए थे। तो कोई बात नहीं, जो वो बैठे थे उस टाइम तो तंगी भी थी, पानी की भी, नहाने की भी, अब तो कोई तंगी नहीं है हमें गर्म के साथ गर्म पानी मिल गया, ठंडे के साथ ठंडा मिल गया। तो ये तो एक उन्होंने काला कानून बनाया है जिसके देश को भूखा मारने के लिए, एक दो आदमियों के पीछे अडवानी के पीछे ही उनको सेठ भरते को भर रहे हैं और मरते को मार रहे हैं। लेकिन बिहार के अंदर इन्होंने यही कानून कर रखा है। बिहारी बेचारे 20-20 एकड़ के आदमी जमीन है जो उनसे हमारे यहाँ गन्ना छोलने आते हैं, हम कहते हैं 20, अब पता लगे हमें भी ये कानून क्या था। तूने बनाया है हमसे पूछा नहीं, तू अपना कानून ही अपनी जेब में डाल ले और वापस कर दे हमें। MSP जो सी हमारी लागू थी पहले, वैसे उसको बढ़ोतरी उसका लिख के दे दे भी, आपको ये कोई कमी नहीं पड़ेगी, हमें कोई पता नहीं, हम कल ही उठ जाएंगे इतनी बात लिख देगा। अब ये कह रहे हैं जो मीडिया में ये बात आ रही है कि किसान अड़े हुए हैं, सरकार नहीं मान रही है, सरकार पीछे आ रही है, किसान नहीं पीछे आ रहे। नहीं, ये तो कहने की बात है, ये कहने की बातें हैं। अब आप मुझे जानते नहीं तो मैं आपको झूठा बता दूं जी, ये तो फोटो तो ले गया है पर फोटो ये मेरी नहीं, ये कोई बात बनी थोड़ी, वो अगले को झूठा बनाना चाहता है। ये जब से सरकार आई है इसने सच एक दिन नहीं बोला, झूठ के ऊपर झूठ बुलंदा, झूठ के ऊपर झूठ बुलंदा बना रहा है ये। तो इसलिए इसको ये चाहिए कि हमारी हाथ जोड़ के इसके आगे यही रिक्वेस्ट है कि जो से आपने 3 कानून बनाए हैं ये अपने वापस ले ले। बता देना कहाँ से आए हो? मैं काशीपुर, उद्धम सिंह नगर जिला काशीपुर से आए, बाबा फूला कहते हैं वैसे नाम मेरा। पूरा रहता है जब तक कि ये 8-9 बजे तक चलता ही रहता है, सुबह से शुरू होता है और ये चलता ही रहता है। खाना नाश्ता, पहले नाश्ता बनता है फिर खाना बनता है? नहीं सर, इधर खाना चलता ही रहता है, सुबह 8 बजे लंगर शुरू हो जाता है, नाश्ता उधर चाय पकौड़े का होता है और इधर खाना शुरू ही रहता है 8 बजे से। तो चाय नाश्ता और खाना ये सुबह 8 बजे से लेके रात को 10 बजे तक चलता ही रहता है। ये कब से चल रहा लंगर यहाँ? ये हो गया 2 महीने हो गए। हलवे की तैयारी चल रही लग रहा है। ये गाजर काहे के लिए बन रही है? हलवा के लिए और वो खीर भी बनती है इसकी। खीर भी बनती है? हाँ जी। खीर बनने के लिए कि हलवा के लिए? हलवा के लिए भी है, खीर के लिए, दोनों चीज होती है। कल की तैयारी हो रही है? कल की तैयारी। ये मोदी को दिखाओगे? संचालित करते लंगर? हाँ, तो 1 महीने से ज्यादा हो गया। 1 महीने से? हाँ। कब तक रहेंगे आप यहाँ पे? ये जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे जब तक रहेंगे। कितना भी टाइम लग जाए? कितना भी टाइम लग जाए। सरकार तो कुछ, सरकार के कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये महीना खाड़ और रहेंगे, लोग चले जाएंगे। अभी भी नहीं जाएंगे, देखिए अंदर जाके कितना जाए, 2-2 साल का राशन रखा हुआ। ये जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। कितने दिनों तक बैठोगे? कोई दिक्कत नहीं, घरों में नहीं सर हम बैठे,
घरों में हम क्या कर रहे हैं अभी, जैसे खेती का काम आने वाला खेती है। का काम बच्चे कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास कर रहे हैं, टनाटन एकदम सब दिल्ली से ये सेवा कर रही है। ये राशन जितना दिल्ली से आ रहा है पंजाब से नहीं आ रहा, पंजाब पूर्ण बॉर्डर पे आ रहा, हमारी यूपी से राशन नहीं आ रहा, सब दिल्ली से आ रहा। आप मंडी में जाके पता करो कितने कास्ट दिल्ली वाले सुबह कोई आलू प्याज लहसुन कितना खरीदते हैं, खरीद के यहाँ देखे जाते, खरीद के यहाँ देखे जाते हैं। और हम हाथ जोड़ते हैं यार खराब हो रहा है, वो रोज की दो चार बोरी गाजर फेंकते हैं हाथ जोड़ने पे भी हिसाब कम लाओ कम लाओ कम लाओ। ये तो इसका बहम है मोदी जी का, कोई बात नहीं क्या फर्क पड़ता है, पर एक दावे की बात है इसको नर्क में जाके जगह नहीं मिलेगी। नर्क में स्वर्ग में तो दिन काट रहा है ये बंगले में, पर ये गारंटी से कहते जितना आज हमारा मन दुखी है नरक में जगह नहीं मिलेगी। एक दिन नरक में जाना है, कोई ऐसा दुनिया के अंदर माइका लाल पैदा नहीं हुआ जिन्हें मरा नहीं। जो थोड़ा अपना पर्चे बता दीजिए। मैं निजबवा से हूँ जी, जिला बिजनौर है मेरा। नाम क्या है आपका? मलकीत सिंह। आप यहीं से रहे? बिल्कुल यहाँ रहते हैं, 2 महीने हो गए जी। लंगर की सेवा? लंगर की सेवा में, मरने की भी कोई चिंता नहीं। हार्ट का मरीज हूँ, टॉप का मेरी आज भी जेब नहीं। ये हाल है सर, ये देखो अब आप हमें आंखों के सामने कहाँ से लेके आए? जिला बिजनौर से, अपने गाँव में से इकट्ठा करके। तो उसके बाद जब मैंने यहाँ बांटना शुरू किया तो जैसे आपने अभी पहले देखा यही हालत था, कोई लेने को तैयार नहीं, इतना स्टॉक पड़ा यहाँ आटे का। तो फिर 3 क्विंटल आटा जो बचा फिर मैं सिंगू बॉर्डर पे देख के आया ऐसे ही। तो यहाँ सामान बहुत लोग दे रहे हैं किसान? हाँ जी, बहुत किसान सामान दे रहे हैं। लंगरों में सामान की दिक्कत नहीं हो रहा है? कोई सामान का हमें कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह की हमें कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ पर। ये कितने दिनों तक चलेगा ऐसा एक आंदोलन? हम तो पीछे हटने वाले हैं नहीं, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती। टाइम कितना भी लगे, चाहे कितना भी लगे, चाहे हमें 6 महीने लगे चाहे 6 साल लगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। सर मैं ये बोल रहा हूँ, आज अगर हम मोदी जी का कहना मान के 2 साल के लिए कह रहे हैं, जैसे भी आप उठ के चले जाओ 2 साल के लिए, इसको ऐसे पेंडिंग में डाल देते हैं, दोबारा से ये आंदोलन इतना बड़ा जुड़ नहीं सकता किसी कीमत पे भी जो आज जुड़ा हुआ है। इसका तो यही है भी 2 साल भी अगर बैठना पड़ा तो यहाँ ही बैठे रहो, उठ के मत जाओ और ना ही जाना है। घर वालों का भी संदेशा यही है कि जब तक ये बिल खत्म नहीं हो जाते, जितने दिन करा है 4-5 महीने वो भी सब नष्ट हो जाए। बिना वापसी, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक नहीं घर वापसी नहीं, कते नहीं बिल वापस होने हैं, बिल गारंटी से होने हैं जी। इसके कहने का क्या है, सारी प्रजा मर जाएगी, कहाँ से जाके आदमी राशन खरीदेगा? अमोल का तो हमें सीढ़ियों चढ़ने का पता नहीं है कि उसमें सीढ़ी कैसे चढ़ी जाती है, तो कहाँ से दाल आटा लेंगे? आपके यदि किसान नेता सरकार के साथ फैसला कर लिए तो क्या करेंगे? कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। किसान फैसला कर लेंगे, सारी पब्लिक उनके विरुद्ध हो जाएगी, वो तो फिर ये समझ लो भी वो पैसे लेके फैसला कर रहे हैं, तय है ये, कभी नहीं हो सकता ऐसे। मतलब किसान हटेंगे नहीं? हटेंगे नहीं, हटेंगे तो आम आदमी की लड़ाई लड़ा, आज किसान पीछे क्यों हटेगा? आज 70-80 किसान मर गए, 25 रुपए किलो है तो कैसे हट जाएंगे? अंबानी अडानी जब वो पैकेटों में पैक होके आएगा ना, ये फैसला किसान नहीं करेंगे कभी। नहीं मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसे किसानों के नेता जो बात कर रहे हैं, 30 आदमी जो बात कर रहे हैं, यदि वो 30 आदमी ये फैसला कर ले सरकार के साथ किसी समझौता कर ले वापसी के अलावा, तो क्या ये जनता मानेगी उसमें? नहीं 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 मानेगी, पहली बात नहीं मानेगी, करेंगे नहीं, वो नहीं करेंगे। वो जो भी बात होती है सबसे पहले किसानों के बीच में आगे बात करते हैं, उसके बाद मंजूरी देते हैं। वो पहले राय मशवरा करेंगे जी, वो 30 कुछ नहीं कर सकते और ना ही हम उनके। अब जैसे हम यहाँ ज्यादा नहीं है, हम उठ के चलते हैं ऐसे भी नहीं है, उनके कहने पे ही होना परिवार है, अपने परिवार के साथ मशवरा करेंगे आके, उसके बाद करेंगे जो भी होगा। बिल वापसी जब घर वापसी क्या है? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है, मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर तहसील नजीबाबाद का रहने वाला हूँ। आप कब से ये लंगर चला रहे हैं? हमें ये, हम एक्चुअली यहाँ पे 3 दिसंबर को आए थे, सो जब से हम कंटिन्यूसली यहाँ पे लंगर की सेवा कर रहे हैं।
ये सामान आप कहाँ से जुटाते हो? एक्चुअली ये सामान हमने थोड़ा थोड़ा पैसे का कलेक्शन करके स्टार्ट किया था, बट यहाँ पे आने के बाद हमें लोगों का इतना सारा कंट्रीब्यूशन मिल रहा है कि हमें दिन में वापस करना पड़ता है लोगों को, वो हमें रेगुलर बेसिस पे डेली इनफ सामान देके जा रहे हैं। यानी जो अभी यहाँ के दिल्ली के आसपास के जो गांव के किसान हैं, हाँ जी, वो आपको सहयोग कर रहे हैं? हाँ, वो भी सहयोग कर रहे हैं, काफी दूर से भी कर रहे हैं। कल हमारे पास लखनऊ रायबरेली से कुछ लोग यहाँ पे आए जो आटा की सेवा करके गए हैं, और यहाँ के जो पास के हैं वो हमें दूध की सेवा, सब्जी की सेवा वो कर रहे हैं। ये आरोप लगा रहे चैनलों में बहुत सारा आ रहा है कि ये कोई विदेशी फंडिंग हो रही है, बाहर से पैसा आ रहा है, ये सब कुछ है आपके लंगर? तो सिर्फ इनका मेन मोटिव जो एजिटेशन को फेल करने का है और हमें एक नेगेटिविटी शो करने का है सिर्फ, कि ये आंदोलन किसी न किसी तरीके से फेल कर दिया जाए। दूसरा मैं बताऊं कि यहाँ कोई धार्मिक भेदभाव है क्या? नहीं, यहाँ पे कोई भी धार्मिक भेदभाव नहीं है, बहुत ही मतलब एक ब्रदरहुड के साथ इस एजिटेशन को लोग लड़ रहे हैं, इस एजिटेशन में लोगों ने भाग लिया है। यहाँ पर कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख या क्रिश्चियन के नाम पे कोई भी यहाँ पे इंसान जुड़ा हुआ नहीं है, कोई भी फार्मर, यहाँ सब एक बीइंग है फार्मर, यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं। आपको जो जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनकी तरफ से भी आपको सामान या सहयोग मिल रहा है? हाँ, सभी धर्मों के लोग हमें यहाँ पे, हर धर्म का बंदे हमें यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, और डेली बेसिस पे वो ये नहीं देखते कि ये हिंदू भाइयों ने लंगर चला रखा है या मुस्लिम ने चला रखा है या क्रिश्चियन ने या कोई भी, ऐसा ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। भाई जी, आप कहाँ से आए? यूपी से। क्या नाम है आपका? वसीयत अली नाम है। आप कब से यहाँ है सेवा में? चार रोज हो गए। चार रोज से सेवा कर रहे हैं, तो इसमें आप जो सामान वगैरह का कुछ हेल्प किया आपने? मैं यहाँ पे नहीं, उधर आता हूँ नमाज पढ़ने आया इधर में। अच्छा, इसे लंगर यहाँ नमाज पढ़ता हूँ। आप भी कोई लंगर चलता है यहाँ? हाँ, इधर है ना सामने, मैं नमाज पढ़ने आता हूँ इधर। चलो यहीं पे ही। अच्छा, यहाँ नमाज पढ़ने आते हैं? ये एक्चुअली हमारे पास जो हमने जो हमारा यहाँ पे एटमोसफेयर है वो बहुत पीसफुल है, तो इसलिए इनको कोई ना कोई मतलब डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए यहाँ पे आते हैं। ये भगवान का नाम ले रहे हैं, चाहे किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं, अल्टीमेटली तो गॉड का नाम ही ले रहे हैं, तो इसमें हमें कोई भी मतलब ऑब्जेक्शन नहीं है। ये कब तक चलेगा ऐसा? ये एजिटेशन टिल विक्ट्री, जब तक हमें जीतते नहीं है, जब तक ये जो बिल्स हैं उनको रिपील नहीं किया जाता, सो वी विल कंटिन्यू टू प्रोटेस्ट हियर। बीच का कोई रास्ता है? बीच का कोई रास्ता नहीं है। अब गवर्नमेंट देखो, मीटिंग पे मीटिंग्स हो रही हैं, उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। अब वो इसको और ज़्यादा खींच रहे हैं, और ज़्यादा इसको स्ट्रेच कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके ये आंदोलन जो है वो कमज़ोर पड़ जाए और ये हम जो इस आंदोलन को फेल करने में कामयाब हो जाए। लेकिन इसका अपोजिट हो रहा है, जितना ये आंदोलन बढ़ रहा है उतनी भारी संख्या में लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं, इसका उल्टा असर पड़ रहा है सरकार के ऊपर। अब थोड़ा सरकार जो है बैकफुट पर नजर आने लग गई।